हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो जावास्क्रिप्ट को लेकर के है और जावास्क्रिप्ट में हम व्हाइल लूप का यूज देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, व्हाइल लूप कैसे लगा सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, और इसके बाद फिर मैं आपको डू व्हाइल लूप के भी बारे में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आज की ये वीडियो जो है व्हाइल लूप की ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाइल लूप। ठीक है, तो सबसे पहले नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। नोटपैड प्लस प्लस मेरे पास मौजूद है। अगर आपके पास नोटपैड प्लस प्लस ना हो, नोटपैड भी हो, तो आप उसी पर ये कोडिंग कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो यहाँ पर कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्योंकि HTML के अंदर ही एम्बेड होगी हमारी जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ डॉक टाइप HTML। ठीक है, तो ये लिख दिया डॉक टाइप HTML और फिर नीचे HTML लगा लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखा मैंने HTML और फिर डायरेक्टली मैं बॉडी लगाता हूँ। यहाँ पे हेड नहीं लगाता, मैं सीधा बॉडी लगा लेता हूँ। तो ये बॉडी टैग का यूज भी हमने कर लिया। अब देखिए, बॉडी टैग का यूज करने के बाद यहाँ पर हेडिंग आपको क्या दिखाई पड़ेगी, नीचे हेडिंग जो दिखाई पड़ेगी वो चीज यहाँ पे दे दीजिए। लाइक यहाँ पर हम चाहते हैं कि हेडिंग दिखाई पड़े, तो ये H2 कर देता हूँ। अगर H1 आप लगाते हैं तो ये काफी जो है बड़ा हो जाएगा, टेक्स्ट जो आपको ब्राउजर पर डिस्प्ले होगा वो टेक्स्ट काफी बड़ा हो जाएगा। दैट्स व्हाई यहाँ H2 ही लगा लेते हैं। और यहाँ पर चूंकि व्हाइल लूप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर व्हाइल लूप दे देता हूँ, इससे पता लगता है कि हम व्हाइल लूप का ही प्रोग्राम बना रहे हैं या बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमने दे दिया H2। ठीक है, H2 इस्तेमाल कर लिया। अब नीचे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर हमें स्क्रिप्ट टैग लगा लेना है, और उसके भी पहले पैराग्राफ आईडी लगा लेते हैं। तो ये लगा लिया पैराग्राफ आईडी, और पैराग्राफ आईडी में जो भी आप नाम देंगे वही जो है आपको नीचे भी देना होगा। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ डेमो, डेमो नाम दे दिया। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये डेमो दे दिया। और अब नीचे आकर के हमें स्क्रिप्ट टैग ओपन कर लेना है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो ये स्क्रिप्ट टैग तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये स्क्रिप्ट टैग लगा लिया हमने। स्क्रिप्ट टैग को लगाने के बाद अब यहाँ पर एक बना लेता हूँ टेक्स्ट नाम से वेरिएबल। तो ये टेक्स्ट नाम से बना लिया हमने, और यहां पर क्या करता हूं ना, इज इक्वल टू डबल इंटर कॉमा ओपन फिर क्लोज, ऐसे कर देता हूं, फिर इसे टर्मिनेट कर देता हूं, फिर एक बनाता हूं। ठीक है, और इस बार मैं बनाता हूं आई नाम से, और आई में क्या स्टोर कराऊंगा, आई में स्टोर करा देता हूं 0। ठीक है, और इसे टर्मिनेट कर देता हूं। तो आई में 0 स्टोर करा दिया और फिर टर्मिनेट कर दिया हमने। अब हम यहां पर व्हाइल लूप लगाते हैं। तो ये व्हाइल जो है ये एक कीवर्ड होता है। ठीक है, कीवर्ड जैसे कि फेसबुक आप सर्च करते हैं ना, तो फेसबुक पे जब भी सर्च कीजिएगा, तो पहले जो है हम लोग जब यूज किया करते थे 2008-09 में, तो उस समय काफी नया था फेसबुक, हालांकि 2003-04 में प्रकाश में आया था फेसबुक। तो उस समय जो है क्या होता था कि पूरा फेसबुक टाइप करना पड़ता था। उस समय आरकुट काफी पॉपुलर हुआ करता था, तो हम लोग आरकुट भी चलाते थे, फेसबुक उतना पसंद नहीं करते थे। लेकिन आगे चल करके फेसबुक ज्यादा पॉपुलर हो गया, और फेसबुक जो है अब खाली कीवर्ड लिखने से हो जाता है। खाली FB टाइप कीजिएगा गूगल पे तो फेसबुक खुल करके आएगा, तो इसे कहते हैं कीवर्ड। ठीक है, तो वाई भी एक कीवर्ड है। अब बात कर लेते हैं आई इज लेस देन यहां पे कर देता हूं 12। ठीक है, तो ये आई इज लेस देन 12 कर दिया हमने। ठीक है, यानी कि हमने यहां पे कंडीशन दे दी। तो ये व्हाइल लूप के अंदर हमने कंडीशन दे दिया, और व्हाइल लूप की बॉडी को बना लेंगे कर्ली ब्रेसेस से। तो ये कर्ली ब्रेसेस से व्हाइल लूप की बॉडी बना ली हमने, और अब यहां पर हम क्या करें, यहां पर लगा लेता हूं प्लस। ठीक है, और अब यहां लिखता हूं इज इक्वल टू। ठीक है, और इज इक्वल टू लिखने के बाद, और ये ध्यान रखिएगा कि ब्रेक टैग को हमें रखना है डबल इंटेड कॉमा में, और फिर यहीं पर डबल इंटेड कॉमा क्लोज भी कर देते हैं। ठीक है, ये क्लोज करने के बाद सीधा लिख देना है प्लस आई। ठीक है, आई ही लिया था तो यहां पे लिख देना है प्लस आई, और इसे टर्मिनेट कर दीजिए। टर्मिनेट करके जैसे ही नीचे आएंगे तो फिर यहां पर करना होगा इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट यानी एक एक करके बढ़ता चला जाएगा ये। तो ये इंक्रीमेंट कर दिया हमने, और इंक्रीमेंट करने के बाद लूप की बॉडी जो कर्ली ब्रैकेट से बनाई थी उसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद जैसे ही नीचे आएंगे तो अब वो यहां पर देना होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। तो जैसे मैं लिख रहा हूं, चूंकि जावा स्क्रिप्ट जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो जैसे मैं लिख रहा हूं बिल्कुल वैसे ही आपको भी टाइप करना होगा, बाई आईडी। तो आईडी की आई भी कैपिटल रहेगी, ये मैं ध्यान रखिएगा। और इतना लिखने के बाद यहां पर चूंकि हमने डेमो दिया है, वहां पे नाम ये क्या दिया था, डेमो दिया था, तो यहां पर ऐसे ही डेमो लिख दीजिए आप ही। ठीक है, तो ये डेमो आ गया, और अब इस डबल इंटेड कॉमा को क्लोज कर दीजिए, बस हो गया। और यहां पर दे देंगे डॉट इनर
और यहाँ पे लिख देंगे HTML, तो HTML कैपिटल लेटर्स में होगा, ठीक है। ये कर दीजिए और ये करने के बाद इज इक्वल टू, एक लिया था हमने टेक्स्ट, तो यहाँ पर टेक्स्ट लेकर के और यहाँ पर इसे टर्मिनेट कर देंगे, इस तरीके से हो गया काम। अब यहाँ पर लाइन वाइज अब क्लोज करने का काम है, तो यहाँ पे सबसे पहले स्क्रिप्ट को क्लोज कर देता हूँ इस तरीके से, ये स्क्रिप्ट हो गया क्लोज। फिर यहाँ पर बॉडी को क्लोज करूंगा इस तरीके से, तो ये बॉडी भी हो गई क्लोज। और अब एट लास्ट HTML को भी क्लोज कर देंगे, तो ये HTML भी हो गया क्लोज। यहां से जाकर के अब इसको सेव करने की बारी है, तो यहाँ पे सीबाइस पे जाता हूँ, सेव पे भी क्लिक कर सकते हैं, और इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ। ये डेस्कटॉप पे गए और यहां पर मैं दे देता हूं LOOP loop1.html। HTML लगाना जरूरी है, HTML यानी कि वेब ब्राउजर के फाइल की एक्सटेंशन होती है ये। ये हमने कर दिया इसको सेव। अब इसको रन करवाने की बारी है, तो यहां पर आता हूं, देखता हूं सेव हुआ है या नहीं। ये देखिए ये सेव हुआ है, डबल क्लिक करते हैं, इसको रन करवाते हैं, तो ये देख सकते हैं कि ये रन हो नहीं रहा है। तो आइए देखते हैं प्रोग्राम लिखने में कहां गड़बड़ी हुई है, कहीं ना कहीं लिखने में गड़बड़ी हुई है, तभी ये रन नहीं हो रहा है ठीक से। ओके, तो आइए चेक कर लेते हैं कि ये गड़बड़ी हुई कहां से है। तो यहां पर पैराग्राफ आईडी हमने सही लिखा है, ठीक है, और पैराग्राफ आईडी के बाद फिर नीचे यहां पर देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं ये आई कैपिटल हो गया है, जिसके चलते ये काम नहीं कर रहा था, तो आई को स्मॉल ही रखना है, बस हो गया काम हमारा। ये हमने प्रोग्राम बना लिया है, अब यहां पर आए और फिर ये इसी को रिफ्रेश भी कर सकते हैं आप, यहां पर आकर के यहां से रिफ्रेश कर देंगे तो भी ये चल जाएगा। तो ये देख सकते हैं 11 टाइम ये प्रिंट हो रहा है। कारण क्या है 11 टाइम प्रिंट होने के पीछे, कारण ये टाइम प्रिंट होने के पीछे कारण ये है कि हमने जो प्रोग्राम लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने दिया हुआ है आई इज लेस देन 12। लेस देन 12 का मतलब 11 टाइम हुआ। अगर हम यहाँ पे इज इक्वल टू भी देते हैं, लाइक देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू भी दे दिया, अब इसको सेव करता हूँ, सेव कर लिया, अब इसको रन करवाना है, तो इसको यहीं से मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ये प्रोग्राम जो चला है। अब देखिए ये 12 टाइम प्रिंट होगा, तो इज इक्वल टू भी दे दिया ना, जिसके चलते ये 12 टाइम प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से कुछ और भी चेंजिंग करना चाहे इसमें तो करके देख सकते हैं, लाइक यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आई इज लेस देन इक्वल टू 12 किया है, आप 13, 14 कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। लाइक यहाँ पर मैं अगर कर देता हूँ 5, तो ये सिर्फ 5 टाइम ही प्रिंट होगा, ठीक है, और अगर इज इक्वल टू हटा दूंगा तो 4 टाइम प्रिंट होगा। तो ये सेव कर लिया हमने और इसको अब रन करवा लेते हैं, तो ये यहाँ से एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो ये देखिए 5 टाइम ही प्रिंट हो रहा है। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी कि व्हाइल लूप कैसे काम करता है, तो इसका यूज कर सकते हैं आप जावास्क्रिप्ट में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।